उमरिया में कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर पालिका की दुकानों का किराया समय से जमा नहीं करने पर कार्रवाई की गई और लंबे समय से किराया नहीं देने पर 6 दुकानों पर ताला लगा दिया गया। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार नए बस स्टैंड एवं पुराने बस स्टैंड परिसर में बनी नगर पालिका की दुकानों का किराया समय पर न जमा करने वालों पर तालाबंदी की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई मुख्य नगर पालिका अधिकारी शशि कपूर गढ़पाले द्वारा 6 दुकानों पर की गई है। बताया जा रहा है शासन के सख्त निर्देश हैं कि राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसी के तहत प्रशासन ने नगर पालिका की दुकानों का किराया न जमा करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, जिसमें परसों पूर्व जो रकम शासन के राजस्व खजाने में जमा हो जानी चाहिए थी वह अब वसूली जा रही है। जी, क्योंकि आदरणीय कलेक्टर साहब से जब हमें हमारे वर्तमान प्रशासन महोदय भी है, निरंतर उनके द्वारा नगर पालिका के कार्यों की और नगर पालिका के राजस्व की समीक्षा की जाती है। उनकी समीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि कुछ जो हमारी नगर पालिका की दुकानें हैं उसमें कुछ बड़े बकायदा थे जो लंबे समय से किराया नहीं वसूल दे रहे थे। उनको हमने कई बार इससे पहले नोटिस भी दिया, उनको कई बार इत्तला भी की, लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा जमा नहीं किया जा रहा। तो ऐसे कुछ जो बड़े बकायेदारों की संख्या निकाल के कल हमने बस स्टैंड जो नए बस स्टैंड में लगभग 5 और पुराना बस स्टैंड में लगभग 1 ऐसे कुल टोटल 6 दुकानों पर तालाबंदी की कार्रवाई की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।